देखिए हम बीच रोड में स्टे किए हैं, आज विशाखापट्टनम घूमने निकले हैं और देखिए कितना साफ सुथरा ये शहर है। आज शायद छुट्टी का दिन है और ऐसे सुबह के 8 बज रहे हैं, इसलिए भी थोड़ा रोड खाली है। कल ये देखिए कैलाशगिरी पर्वत, तो बता रहे विशाखापट्टनम ये अपने जस्ट कॉर्नर पे, इस साइड बे ऑफ बंगाल है और अगर आप इस साइड देखेंगे, देखिए पर्वत इधर ईस्टर्न घाट से ये गार्डिंग करता है। इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस, ब्यूटीफुल। अभी तो मौसम भी बहुत ही यह है, मतलब ना ही ठंड है ना ही बहुत ज़्यादा गर्मी है। ये देखिए यहाँ से ये रोपवे चलता है, अगर आप देख पा रहे जो बीच में आपको गैप जैसा दिख रहा है, ये देखिए ये है रोपवे। ये सारे कॉलम्स बने हुए हैं जो ऊपर तक ये रोपवे जाता है कैलाशगिरी के लिए, और वहाँ पर पार्क्स वगैरह है और शिव पार्क है। कैलाशगिरी रोपवे, यहीं से इस रोपवे का टिकट मिलता है, ये बसवे है और जस्ट यहीं से आप टिकट लेके ऊपर जा सकते हैं। एंड ये देखिए इस साइड पूरा बीच है कि पूरा ऑलमोस्ट 25-30 किलोमीटर का ऐसी स्ट्रेच है जो कि बीच पे ही है, बट इस साइड बीच का डेप्थ थोड़ा ज़्यादा है। तो हम अभी निकल चुके हैं रशिकोंडा ब्रिज के बीच के लिए, जहाँ पे कि बहुत डीप नहीं है और इतना पानी है, वहाँ पे आप जाके बीच का मज़ा ले सकते हैं। ये पूरा हमने कल रात को ट्रैवल किया, तो जो हम बहुत रियलाइज़ नहीं कर पाए क्या सुंदरता था, बट फिर भी बहुत अच्छा लग रहा था। ये दिन में तो नज़ारा ही अलग है कि लोग यहाँ पे पहाड़ों पे भी ड्राइंग किया हुआ है, लोग वहाँ पे फोटो क्लिक करा रहे हैं। आई लव वाइजैक, ये रहा बीच। अब देखिए यहाँ पे समतल है, उधर देखिए लोग बीच पे नहा रहे हैं। ये रोड जाके जैसे एंड होती है, सामने दिखता है कुछ आपको बैंकॉक थाईलैंड पटाया का याद दिलाएगा, इसी तरीके से जस्ट पर है और बहुत ही सुंदर, ऐसे ही साफ सुथरा है बहुत ही। और ये रहा इस्कॉन टेम्पल, इस्कॉन वेव इनवाइट्स टू श्री विजयदशमी द फेस्टिवल ऑफ विक्ट्री, श्री श्री राधा दामोदर मंदिर इस्कॉन। ये देखिए अगर आप इस प्रॉपर्टी को देख पा रहे हैं, ये देखिए, ये देखिए, ये जो भी है बहुत ही बेहतरीन। ये देखिए जो रिजॉर्ट है ऊपर पहाड़ों पर बसा, ये सामने में बीच, इसको यहाँ से दिखेगा क्या रिजॉर्ट होगा वो या कुछ कोई होटल है। ये देखिए यहाँ पे कोई एक मंदिर है जो ऊपर में है। लीजिए $1। तिरुपति का मंदिर है, श्री वेंकटेश्वर स्वामी टेम्पल विशाखापट्टनम। गीतम यूनिवर्सिटी चल ही रहा है ना, ये गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। और ये देखिए जस्ट इसके साइड में जो है जगन रेड्डी का अपोजिट में है, जस्ट इसके सामने रशिकोंडा ब्रिज है, ये पूरा ब्लू से यही जगन रेड्डी की पूरी बिल्डिंग बन रही है। पहुंच गए हैं रशिकोंडा बीच और सब साइड में टैटूज और खाने पीने के चीजें हैं। और ये देखिए लहरें आपको यहीं से दिख रही होंगी। कार पार्किंग ₹50, ऑटो पार्किंग ₹20, बाइक पार्किंग ₹20, बस पार्किंग ₹100। ये हम पहुंच गए हैं। देखिए इधर भी आइस ब्रेक्स, ड्रिंकिंग वाटर, फर्स्ट एड स्टेशन, फूड कोर्ट, चिल्ड्रन पार्क, ओपन जिम, सोलर पावर प्लांट, टॉयलेट, स्टडीज एंड जेम्स। देखिए यहाँ पे कहते हैं कि दिख भी रहा है कि शैलो है थोड़ा, तो ये लोग साइड से जा रहे थे, वो पत्थरों के बीच में जा रहे हैं, पर ये लोग खाली पैर हैं तो ये लोग अब बालू के बीच में से जाना पसंद कर रहे हैं, इन लोगों से रहा नहीं जा रहा है। और ये देखिए यहाँ पे पकड़ने के लिए, सेफ्टी के लिए भी सब चीज़ें बनी हुई हैं। ये जो आप प्रॉपर्टी देख रहे हैं ग्रीन से ढका हुआ वाइट वाइट बिल्डिंग, यही जगन रेड्डी की बिल्डिंग है जो कि जस्ट गीतम यूनिवर्सिटी के अपोजिट और रशिकोंडा बीच के सामने है। यहाँ पर कॉर्नर में एक साइड यहाँ पे पत्थर लगे हुए थे और ये बहुत ही सुंदर लगता है। यहाँ पे बहुत सारे फोटो शूट्स भी चल रहे थे, तो हमने भी सोचा कि पहले हम यहीं पे पहुँच के और इसका वीडियो कर ले। ये देखिए यहाँ पे कोई मॉडल्स है, एक्टर्स है जो भी, जिनके अच्छे फ़ोटो शूट्स चल रहे थे। हमने उन्हें डिस्टर्ब नहीं किया और बस नज़ारा देखिए आप यहाँ से, बहुत ही मज़े। इन्हें टेट्रा पॉड्स भी कहते हैं और ये हमारे वेव्स को भी कम करते हैं। यहाँ से जो इरोजन होता है बीचेस के कॉर्नर्स पे, उसको भी प्रिवेंट करते हैं। और ये एक अच्छा एक प्लेस हो जाता है जहाँ पे कि टूरिस्ट पहुँचते हैं, एंजॉय करते हैं। बट ये टेट्रा पॉड्स कुछ कुछ जगहों पे थे, मेन यहाँ पे पत्थर ही थे जो कि नेचुरल पत्थर है इनके। और बहुत ही सुंदर नज़ारा है यहाँ से। शायद कैमरे से हमेशा जैसा मैं बोलता हूँ वो चीज़ आपको दिखाया नहीं जा सकता जो कि हकीकत में वहाँ पर है। और ये फिर से देखिए, ये वही जगह जहाँ पे कि जगन रेड्डी का जो ये महल जो अभी बहुत ही सुर्खियों में है जैसे भी सरकार बदली है। और अभी जब इनकी सरकार गई या सरकार से पहले भी ये बहुत ही चर्चाओं में रहा है ये बंगला। और ये देखिए बहुत ही सुंदर शीश महल जैसा बना है। शायद स्कूबा डाइविंग के लिए लेके जा रहे हैं। ये देखिए पानी कितनी साफ़ है यहाँ पे, जिस स्पीड से पानी आती है, लहरें आती हैं, लहरें चली भी जाती हैं और साथ में बालू लेकर जाती हैं। और ये देखिए मानविक तो सुनने को रुकने को तैयार नहीं। आज कुछ वार्निंग है यहाँ पे कुछ तरीके का, फिर उसे हमने बाहर निकाला और वह बाहर में आयरन मैन या कुछ वो अपने नाखून से बनाने की कोशिश कर रहा है। एंड इतनी बड़ी लाइक दिस एज इज़ इवन अ गुड थिंग, गुड मानविक। बहुत ही साफ़ बीच है और बहुत ही आनंद आएगा आपको यहाँ पानी का। मैं बस पानी को आने या जाने और बालू की वीडियो लेने की कोशिश की। तो ये देखिए यहाँ पे स्कूबा जो आपको मैंने बताया 3500 रुपीज़, 30 मिनट्स, 10 to 12 मीटर्स वाटर। और आ चूँकि साइक्लोन का कोई थ्रेट है तो ये लोग बस जो रेड पॉइंट जो लगा हुआ है उससे थोड़ा सा आगे ले जाते हैं, बोट से बहुत डीप लेके नहीं जाते हैं। सो यहाँ पे तट पर पालतू जानवर ना लाए, रिंग नॉट थ्रो। ये देखिए प्यारी बर्ड है, कोयल। सॉरी मैंने वो कोयल बोला, ये नीलकंठ है और दशहरा विजयदशमी के दिन देखा जाता है। और आज विजयदशमी है और हमने ये नीलकंठ देखा, ये शुभ माना जाता है। ये देखिए नीलकंठ बहुत ही खूबसूरत, मैंने बताया पहली नज़र में वो ध्यान नहीं आया, फिर आया कि अरे ये तो नीलकंठ ही है। और कितनी खूबसूरत ये देखिए, इसका फिर मैंने जूम करके फ़ोटो लिया है। देखिए जोडुगुल्लापालम बीच है और यहाँ पे माँ दुर्गा का विसर्जन हो रहा है। ये देखिए ये भी समुद्र का हमारा भी पहला एक्सपीरियंस है विसर्जन देखने का। और यहाँ पे अगर जो विसर्जन हुआ है देखिए आप उस गंदगी ये चारों तरफ देख सकते हैं। और ये फेमस है ये बीच, एक एबंडेंट यहाँ पे एक शिप पला है जिस शिप के सामने लोग फ़ोटो खिंचाने आते हैं। ये शिप एबंडन हो चुका है जो कि यहाँ पे कैसे एंकर लगा के रखा गया है और इसी के लिए ये फेमस है जोडुगुल्लापालम बीच। और वहाँ पे एक पत्थर वगैरह भी है जहाँ पे वेव्स हाई रहते हैं, आप आगे जा के फ़ोटो शूट करा सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे मूर्ति की पहचान करते हुए, बिकॉज वेव्स में दिक्कत क्या होती है कि आप डालें और फिर वेव्स के साथ वापस आ जाती है, तो कुछ लोग के बहुत आगे तक जाते हैं। देखिए जस्ट जोडुगुल्लापालम बीच से आप बाहर निकलेंगे तो ये देखिए यहाँ से बीच दिख रहा है, नीचे में यहाँ पर शिप है। तो यहाँ पे टी गार्डन भी है, पार्क है, बीच पार्क भी कहते हैं। आप यहाँ पे जा सकते हैं और यहाँ के थ्रू भी आप शिप में जा सकते हैं। पर जब हम निकले थे धूप नहीं थी, अभी देखिए धूप। और ये बहुत ही सुंदर तरीके से ये लोग यहाँ पे पहाड़ पे एक कलाकृतियाँ बनाते हैं और आप उस बीच से होते हुए नीचे जाके उस शिप का फोटोग्राफी कर सकते हैं। तो जैसा मैं बता रहा था जब हम निकले थे धूप बहुत कम थी, पर अभी धूप बहुत तेज़ हो चुकी है तो अब हम वहाँ नहीं जा रहे हैं। आपको यहाँ सामने से नज़ारा दिखा दूँ, ये बीच रोड है, NTR बीच रोड। इस साइड ईस्टर्न घाट्स है और ये देखिए। और मिलते हैं फिर से आपसे अगले वीडियो में जो कि होगा आर के बीच और बाकी सारे बीचेस का और वाइजैक का। तब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।